राष्ट्रवादी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र सिंह डोगरा ने भाजपा व कांग्रेस द्वारा चुनावों के समय लोगों को गुमराह करने के आरोप लगाए हैं। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी पिछले 4 साल से शहीदों के परिवारों की मदद करती भी आ रही है। रविंद्र सिंह डोगरा ने कहा कि हिमाचल में एनसीपी अपना जनाधार लगातार बढ़ाने में कामयाब हो रही है, जिससे लोगों का भरपूर समर्थन भी मिल रहा है। झूठे प्रचार की वजह से चाहे वो भाजपा करे चाहे वो कांग्रेस करे, वो श्रेय लेने का कोशिश करते हैं और इस बात के हमारे पास पूरे पुख्ता प्रमाण है, जो कि आगामी लोकसभा चुनाव के अंदर कांग्रेस और भाजपा को बताएंगे कि आप लोगों ने किस तरीके से झूठा प्रचार करके लोगों को बेवकूफ बनाया है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का कोई बहुत बड़ा जनाधार हिमाचल प्रदेश में नहीं है। मैं बड़ी सच्चाई बयान करूंगा आप लोगों के सामने, लेकिन जितना भी है तो उसमें से हम चेहरा तलाश करने की जरूरत नहीं। ये बड़ी सच्चाई है कि फिलहाल राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का चेहरा एक मैं ही हूँ, इसके अलावा तो कोई चेहरा फिलहाल राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का हिमाचल में नहीं है। लेकिन जहां तक लोकसभा चुनावों की बात है तो हमने पवार साहब को और प्रदेश प्रभारी श्री तारिक अनवर साहब जी को हमने पहले ही से इस बात का आगाह कर दिया है कि यदि गठबंधन होता है तो हमीरपुर और कांगड़ा लोकसभा राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को मिलेगी। मैं मानता हूँ कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का कोई जनाधार नहीं है, इतना बड़ा जनाधार नहीं है कि अकेले हम अपने बलबूते जो है लोकसभा की सीट निकाल दें। लेकिन हाँ, जिस तरह से चुनावी गठबंधन चल रहा है और आगामी लोकसभा चुनावों के लिए जो देश के स्तर के ऊपर जो गठबंधन की नीति बन रही है, अगर उस संदर्भ में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को गठबंधन के साथ हिमाचल प्रदेश में कोई भी सीट मिलती है तो जरूर हम लोग जीतेंगे। ये कैप्टन करम सिंह 1971 में सिख लाइट इन्फेंट्री में थे, जिन्होंने दुश्मनों से लोहा लेते हुए अपनी शहादत दी थी। तब से लेके आज तक उन्होंने बीजेपी सरकार या कांग्रेस सरकार या देश की जितनी भी सरकारें और प्रदेश की सरकारें हैं उन सबसे बड़ी गुहार लगाई, क्योंकि उस शहीद कैप्टन करम सिंह को राष्ट्रपति से लेके और बड़े बड़े कर्नल जनरल तक के अवार्ड मिले थे, लेकिन उनके नाम का कोई शहीद स्मारक बकनियार में नहीं था, जो कि उनका पैतृक गाँव है। तो जब उस बात के लिए 2016 में शहीद परिवार के कुछ लोग मेरे पास आए थे तो उन्होंने हमारे से ये कहा कि आप इस काम को कीजिए, तो हमने वो शहीद स्मारक तैयार करवा दिया है और अंतिम चरण का काम बाकी रह गया है। उसकी लागत लगभग 1.5 से 2 लाख रुपए के आसपास उस शहीद स्मारक की थी, जिसमें से 80,000 रुपए हमें जो है सरकार के माध्यम से हमें प्राप्त हो चुके हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि अंतिम कार्य के लिए उसकी थोड़ी सी और अनुदान की राशि डीसी साहब हमीरपुर हमें प्रदान करें, जिसके लिए हमने उनको पत्र लिख दिया है। एक्चुअली क्या होता है कि लोगों का भी एक सोच होती है कि पता नहीं कोई कितने दिन तक काम करेगा, तो मेरा ऐसा मानना था कि हो सकता है कि लोग ये सोच रहे हैं कि रविंद्र सिंह डोगरा हो सकता है 1 साल काम करे, 2 साल काम करे, 3 साल काम करे, 4 साल काम करे, तो वो लोगों का एक अपना अंदाज था मुझे परखने का, और अभी तक मैं उसमें बिल्कुल पूरा खरा उतरा हूँ। और आज की डेट में खासतौर से मैं ये कहूंगा, जैसे ही सुजानपुर विधानसभा या प्रदेश विधानसभा के चुनाव खत्म हुए, आज की डेट में यानी हम इस जून 2018 की अगर बात करें, तो लोगों को ये पूरी तरह से समझ में आ गया कि उन्होंने पूर्व में क्या गलतियां करी थी और आगे क्या गलती नहीं करनी है, तो किसके साथ चलना है। तो लोगों का हमारे को पूरा समर्थन मिल रहा है। आज की तारीख में कांगड़ा, ऊना, बिलासपुर और मंडी के कुछ क्षेत्रों से लोग हमारे पास यहाँ पे आ रहे हैं पार्टी से जुड़ने के लिए, और स्पेशली युवा।